सो हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका फ्रेंड जो पेपर था आज, जी हाँ फ्रेंड, फ्रेंड जो आपका पेपर था आज ओवर हो चुका है और यहाँ पे आपसे बातें करेंगे फ्रेंड। यहाँ पे जो स्टूडेंट्स ने कहा, क्या रिव्यू था, क्या कहा है स्टूडेंट्स ने आज पूरे पेपर के बारे में, क्योंकि आज फ्रेंड आप सभी का 4 मार्च 2020 को सबसे बड़ा पेपर फ्रेंड कही आपका ओवर हो चुका है। क्या कहा स्टूडेंट्स ने, सब कुछ जानेंगे। क्या था पूरा स्टूडेंट्स का रिएक्शन, ओवरऑल क्या स्टूडेंट्स कह रहे हैं पूरे पेपर के रिगार्डिंग, सब कुछ जानेंगे फ्रेंड इस वीडियो में कि आखिर स्टूडेंट्स ने इस पेपर को कितना हार्ड कहा, कितना इजी कहा, पेपर को कितना उन्होंने टफ कहा, सब कुछ फ्रेंड जानने वाले इस वीडियो। तो फ्रेंड वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड बहुत समय कमेंट मिला कि सर आप लाइव ऐसे क्यों नहीं दिखाते, फ्रेंड लाइव नहीं दिखा पाते किसी रीजन की वजह से, बट आपको सारी चीज़ें बताई जाती है कि जो पॉसिबिलिटी फ्रेंड होती है, तो सब कुछ फ्रेंड जानेंगे आप फ्रेंड इस वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को इन तक जरूर देखिए फ्रेंड। और फ्रेंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप अपने चैनल अभी अपडेट को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चैनल आप लोग के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट वर्क कर रहा था, कर रहा है और करता रहेगा माय डियर फ्रेंड। इस वीडियो को लाइक करके शेयर जल्दी से कर दीजिएगा और आप सभी इंतजार में बैठे हो सॉल्यूशन के लिए कि सॉल्यूशन कब मिलेगा आपके पूरे पेपर का। तो माय डियर फ्रेंड जस्ट थोड़ी देर में आप पूरी टीम लेके आ रही है आप सभी के पूरा पेपर, जो आपके फ्रेंड पेपर आज हो चुका है। सेट वन की बात करें, सेट टू की बात करें, सेट थ्री की बात करें, तीनों सेट का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इसी चैनल पर, जहाँ फ्रेंड आपको इसी चैनल अभी अपडेट पे मिलने वाला है। तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब कर, जल्दी से फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जस्ट इसके बाद आपका पेपर कौन सा है, इसके बाद आपका पेपर है मैथ्स का। तो भले आप बेसिक हो, आप स्टैंडर्ड हो, आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो आ रही है, आपने देख भी लिया होगा। आज हम लोगों ने 10 बजे डिस्कस कर लिया कैश स्ट्रेटजी के साथ वीडियो आ रही है और आप उन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हो तो बिलीव करिएगा बेस्ट करके अपने पेपर में। तो फिर आप जाकर स्ट्रेटजी देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब बात करते हैं पूरा स्टूडेंट्स रिएक्शन का कि क्या कहा है स्टूडेंट्स ने पूरे इस पेपर को। फ्रेंड ये वीडियो बनाई जा रही है पूरे 32 स्टूडेंट्स से बातें करने के बाद, जहाँ फ्रेंड ओवरऑल 32 स्टूडेंट से बातें किया गया, उसके बाद ये फ्रेंड इस वीडियो को बनाई जा रहा है आप लोग के साथ में। अगर फ्रेंड पूरा कंप्लीट एनालिसिस करें तो 32 के अंदर में फ्रेंड यहाँ पे 20 बॉयज़ थे जिनसे बातें किया गया इस पूरे वीडियो में, और ओवरऑल 12 गर्ल्स थी जिनसे बातें करने के बाद ही पूरा इस वीडियो फ्रेंड बनाया जा रहा है। अब चलिए बातें करते हैं पूरे एक एक सेक्शन पे, क्योंकि आपके पेपर में 3 सेक्शंस थे, तो तीनों सेक्शंस में बॉयज़ का क्या कहना था, गर्ल्स का क्या कहना था, सब कुछ स्टार्ट करते हैं आप इसके साथ फ्रेंड। यहाँ पे बात करते हैं आपसे सेट वन के बारे में, यानी सेट वन में तीनों सेट की फ्रेंड बात हो रही है। पहले बात करते हैं आपसे सेक्शन के बारे में, सेक्शन ए के बारे में। अगर फ्रेंड आपसे सेक्शन ए के बारे में बातें करें, सेक्शन ए के बारे में बातें करें तो हम सभी जानते हैं सेक्शन ए के अंदर में मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन थे आप लोग के लिए ना फ्रेंड, अपने यहाँ पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन थे अपने फ्रेंड यहाँ पे, और साथ साथ एजर्शन रीजन टाइप जो फ्रेंड अपने जो क्वेश्चन ऐसा कहा गया था फ्रेंड, वैसा क्वेश्चन हमको देखने को मिला भी था। अब बात करते हैं बॉयज़ क्या कहना था और गर्ल्स का क्या कहना था। फ्रेंड आप सही बता दिया जाए कि गर्ल्स का कहना था कि जो सेक्शन ए था वो ईजी था, जहाँ फ्रेंड जो गर्ल्स का कहना था कि जो सेक्शन ए था वो ईजी था, बट उसमें से भी कुछ गर्ल्स कह रही थी कि जो सेक्शन ए जो था आपका वो थोड़ा सा मॉडरेट था। ठीक है फ्रेंड, यानी कि अगर मैं जैसे बताया आपको कि टोटल हमने 12 गर्ल्स से बातें किया था, तो 12 गर्ल्स में से 3 to 4 गर्ल्स का कहना था कि जो सेक्शन ए था वो थोड़ा सा आपका मॉडरेट था। ठीक है फ्रेंड, लेकिन बॉयज़ की बातें करें, अब बॉयज़ की बातें करें तो बॉयज़ का कहना था कि जो सेक्शन ए था वो मॉडरेट पूछा गया था। 20 स्टूडेंट्स में से फ्रेंड 13 ऐसे स्टूडेंट्स का कहना था कि जो सेक्शन ए था वो मॉडरेट था, जबकि 4 ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका कहना था कि जो सेक्शन ए था वो आपका हार्ड था, जहाँ फ्रेंड कुछ में क्या कहना था हार्ड था, और 3 ऐसे आपके फ्रेंड यहाँ पे स्टूडेंट्स थे जिनका कहना था कि जो आपका सेक्शन ए था वो बहुत ज़्यादा इजी था। ठीक है, यानी 13 स्टूडेंट्स कह रहे हैं तो सेक्शन ए था वो मॉडरेट था, यानी कि जो सेक्शन ए था वो ओवरऑल बॉयज़ के लिए कहा जाए तो मॉडरेट था, गर्ल्स के लिए कहा जाए तो उनके लिए सेक्शन ए जो था इजी था। फ्रेंड उनसे पूछा गया सेक्शन ए के बारे में, पूरे पेपर के बारे में कि क्या आपको हेल्प मिला आपके चैनल अभी आपने, तो फ्रेंड आप जाके चेक कर लीजिएगा। उनका कहना था कि सर जो आपने बताया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप
थ्री मार्क्स के, फाइव मार्क्स के, वन मार्क्स के, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिला था। आप जाके फ्रेंड खुद चेक करिएगा, मैं नहीं बोलूँगा, आप जाके फ्रेंड खुद चेक करिएगा। जो हम लोगों ने पास्ट डे में डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेंड मैं कर रहा हूँ। आप एक बार जाके चेक करिए, अपना पेपर उठाइएगा और लास्ट के वीडियो चेक, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे, आप जाके चेक कर लीजिएगा। जो जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया था उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन फ्रेंड आपके पेपर में आज पूछे गए थे, वैसे फ्रेंड जस्ट इसके बाद पेपर आपका मैथ्स का है। मैथ्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस आ रही हैं, बेसिक के लिए भी आ रही हैं, स्टैंडर्ड के लिए भी आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जैसे आप मिस ना कर पाए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। फ्रेंड जो हम आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट, वो एग्जामिनेशन में पूछा ही जाता है, आप जाके खुद चेक कर लीजिएगा, आपको खुद प्रूफ दिख जाएगा, बताने की जरूरत नहीं फ्रेंड यहाँ बात करेगी। अब बात करते हैं फ्रेंड, तो इस वक्त कहना था कि सर आपको जो सेक्शन बताया था बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, सेक्शन बी के क्या कहना था फ्रेंड। सेक्शन बी में बातें कर आपसे, सेक्शन फ्रेंड जो बी था आप लोग का वो था थ्री मार्क्स का क्वेश्चन था, सेक्शन बी थ्री मार्क्स का क्वेश्चन था, शॉर्ट टाइप आपके क्वेश्चंस थे, ठीक है। अब यहाँ पे बॉयज़ का क्या कहना था, यहाँ पे बॉयज़ का कहना था कि जो सेक्शन बी था वो मॉडरेट था, जहाँ पर यहाँ फिर बॉयज़ का कहना था कि जो सेक्शन बी था वो मॉडरेट था, यानी कि उतना डिफिकल्ट भी नहीं था और उतना ईजी भी नहीं था। यानी कि इन शॉर्ट जिन्होंने पूरी बुक को थोड़ी पढ़ा होगा, उनका पेपर जो सेक्शन बी था वो बहुत अच्छा गया होगा, बहुत ही अच्छा सेक्शन बी गया होगा जिन्होंने पूरे बुक को थोड़ी पढ़ा होगा, ठीक है फ्रेंड। अच्छा गर्ल्स की बातें करें, तो गर्ल्स का कहना था जो सेक्शन बी था उनके लिए भी फ्रेंड यहाँ पे जो था वो आपका कहिए तो कुछ के लिए ईजी भी था और कुछ के लिए मॉडरेट था, ठीक है। सिर्फ वन ऐसी गर्ल थी, सिर्फ एक ऐसी सिस्टर थी, वन ऐसी गर्ल्स थी जिनका कहना था कि जो सेक्शन बी था, वो हार्ड था। यानी कि फिर यहाँ पे अगर आपसे बातें जैसे बताया था आपको 20 स्टूडेंट्स में से, तो 12 में से, फिर बातें करें आपसे, तो 12 में से 8 गर्ल्स का कहना था कि जो आपका सेक्शन ए बी था आपका वो इजी था, ठीक है। 3 गर्ल्स का कहना था कि मॉडरेट था, और 1 ऐसी गर्ल्स का सिर्फ कहना था कि जो सेक्शन बी था वो हार्ड था। चलिए सेक्शन बी की बातें तो अब आपसे हो ही गई, अब बात करते हैं आपसे सेक्शन सी के बारे में। अब हम आपसे बातें करते हैं सेक्शन सी के बारे में फ्रेंड, ठीक है ना। अब फ्रेंड सेक्शन सी फ्रेंड बातें करें आपसे, फ्रेंड प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, जस्ट इसके बाद आप लोग के लिए कंप्लीट सोशल फ्रेंड डिस्कस करने वाला और स्ट्रैटेजी डिस्कस कर चुके हैं मैथ्स का कैसे प्रिपेयर करना। अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, लिंक आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सेक्शन सी का, सेक्शन सी था 5 मार्क्स का क्वेश्चन, बॉयज़ के लिए बात करेंगे, गर्ल्स दोनों के लिए बातें करेंगे। फ्रेंड स्टार्ट करते हैं पहले बॉयज़ से, तो बॉयज़ का कहना था जो सेक्शन सी था वो हार्ड था। क्या आपको भी लगा है फ्रेंड, क्या आपको भी लगा है हार्ड था? तो अगर लगा हो तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। सेक्शन सी की बात करें तो मैक्सिमम स्टूडेंट से फ्रेंड कहना था जो सेक्शन सी था वो हार्ड था, और गर्ल्स की बातें करें तो सेक्शन सी के लिए उनके में से हाफ ऐसी गर्ल्स थी जिनका कहना था कि जो पेपर जो था सेक्शन सी वाला वो हार्ड था, और हाफ का कहना था कि जो सेक्शन सी था आप लोग के लिए वो आपका मॉडरेट था। आप लोग कमेंट कर बताएंगे सेक्शन सी आपको कैसा लगा फ्रेंड, यहाँ पे सेक्शन सी था यहाँ पे मैक्सिम का कहना था कि जो सेक्शन सी था आप लोग का वो हार्ड था फ्रेंड, ठीक है ना फ्रेंड। बॉयज़ की बातें करें तो फ्रेंड सेक्शन सी में फ्रेंड हमने देखा था क्योंकि वहाँ पे कुछ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, तो हो सकता है सेक्शन सी जो था वो हार्ड था, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, सेक्शन जो आपका सी था वो हार्ड था बॉयज़ के लिए, और सेक्शन सी जो था गर्ल्स के लिए उसमें से कुछ गर्ल्स का कहना था कि मॉडरेट था, और कुछ गर्ल्स का कहना था कि जो सेक्शन सी था वो आपका फ्रेंड यहाँ पे मॉडरेट था, और कुछ का कहना था कि यहाँ पे आपका हार्ड था, ठीक है। यानी सेक्शन सी कहा जाए तो पूरे पेपर में, पेपर की बात करें आपसे, सेक्शन ए की बातें करें, सेक्शन सी बी और सी दोनों की बातें करें, तो सेक्शन ए की बात करें, बी की बात करें, सी की बातें करें, तो सेक्शन जो सी था वो ओवरऑल तीनों सेट्स में बात करें, सेट ए, सेट बी, सेट सी तीनों की बात करें, तो सेक्शन सी जो था थोड़ा सा लिटिल बिट कहिए तो मैंने यहाँ पे डिफिकल्टी क्रिएट किया था बच्चों को, ठीक है, स्टूडेंट्स को, बट बाकी जो सेक्शन जो थे हमारे सेक्शन ए जो थे, सेक्शन जो बी था वो उतना डिफिकल्टी नहीं क्रिएट किया होगा। उम्मीद करते हैं जो सेक्शन ए था और सेक्शन बी था ना वो उतना डिफिकल्टी नहीं क्रिएट किया होगा जितना सेक्शन सी कमेंट ने किया था, ठीक है फ्रेंड। आप सभी लोग, आप सभी जो भी समय वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए पहली बात है, और वीडियो को शेयर करिए सभी लोग, ठीक है, क्योंकि जस्ट इसके बाद मैथ्स की वीडियोस आ रही हैं आप लोगों के इंपॉर्टेंट वीडियोस, क्योंकि जो हो गया सो हो गया, अब सेट द पास्ट करके चलना फ्यूचर के अंदर में ना फ्रेंड। अच्छा आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे हमें, आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें, सभी लोग जो भी समय देख सब लोग कमेंट करेंगे कि सेक्शन ए कैसा गया उनका, सेक्शन बी कैसा गया उनका, और सेक्शन सी कैसा, क्योंकि आप सभी फिलहाल तो ऑनलाइन हो आप ही लोगों, तो आप लोग से तो फ्रेंड यहाँ पे लाइव तो बात कर सकते हैं यहाँ पे, बट
आप सभी लोग कमेंट कर दे तो सेक्शन ए कैसा गया आप लोग का, सेक्शन बी कितना गया और सेक्शन सी कैसा गया, क्योंकि वहाँ पे तो ऑफलाइन बात हो पाया, लेकिन आप समझाते हैं आप सभी लोग जो भी समय देख रहे हैं सब लोग कमेंट कर बताएं सेक्शन ए उनका कैसा था, सेक्शन बी कैसा था और सेक्शन सी कैसा था, सब लोग कमेंट करें और साथ साथ सब लोग ये भी कमेंट करके बताएंगे सबसे बेस्ट सेक्शन, सबसे अच्छा सेक्शन उनका कौन सा गया है, सेक्शन ए उनका अच्छा गया है कि सेक्शन उनका सेक्शन बी अच्छा गया है कि सेक्शन उनका सी अच्छा गया, सब लोग कमेंट कर बताएंगे सेक्शन उनका कौन सा सबसे अच्छा गया है, सब लोग कमेंट बताएंगे और सबसे खराब वाला कोई बताएगा, सबसे खराब कौन सा, सब लोग जरूर बताएं कि सबसे अच्छा सेक्शन किसका कौन सा गया है, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम लग रहा है यहाँ से फ्रेंड सेक्शन सी जो होगा थोड़ा सा सबका थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन थे, यहाँ पे कहीं 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ डिफिकल्टी हुआ होता कुछ स्टूडेंट्स को, ठीक है। चलिए यहाँ तो बातें आप सभी से अपने कर ही रहे हैं फ्रेंड, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दी सभी लोग, तो वीडियो सब लोग शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिए कि आप लोग का सेक्शन कैसे गया। अब बात करते हैं ओवरऑल, अब बात करने का समय आ गया पूरे ओवरऑल डिस्कशन के बाद पूरा कंक्लूजन का, अब समय यहाँ पे लास्ट कंक्लूजन डिस्कस करने का सेक्शन पूरा फिलहाल बात किया जाता हूँ। अब फिर यहाँ पर बात करें आपसे तो यहाँ फ्रेंड अगर आपसे कहा तो एक चीज़ तो सभी स्टूडेंट करना था, सभी स्टूडेंट से कहना था कि सर जो पेपर था थोड़ा सा लेंथी था। हाँ फ्रेंड लेंथी तो लगेगा आपको, थोड़ा सा फ्रेंड लेंथी तो लगेगा क्योंकि जो पेपर था लेंथी था भी, तो थोड़ा सा फ्रेंड पेपर लेंथी था ऐसा वहाँ पे स्टूडेंट्स ने भी बोला कि सर जो पेपर था थोड़ा सा लेंथी था, तो हाँ पेपर लेंथी थोड़ा सा फ्रेंड कह सकते हैं आप, अगर आपने टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं किया होगा तो पेपर लेंथी लगा होगा। लेकिन देखिए हम आपको फ्रेंड इसीलिए तो कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया था कि कैसे टाइम को मैनेज करना है, अगर फ्रेंड आपने डिसिप्लिन से आपके कैसे टाइम को मैनेज करना है, और अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे आपको करना, तो आप पेपर को बहुत अच्छा दिए होंगे। तो टाइम मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट था जो सभी स्टूडेंट्स ने किया होगा, जिन्होंने पहले जो चैनल से जुड़े हैं उनका बहुत फायदा हुआ है, बात है आज जो भी चैनल से पहले से जुड़े हैं उनका बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल गया, बताए थे हम पहले भी, और टाइम मैनेजमेंट उनका अच्छा गया, यानी कि जो पहले से थे उनका बहुत अच्छा गया। लेकिन चलिए जो पहले से नहीं जुड़े थे कोई बात नहीं, अभी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर, क्योंकि अब इसके बाद तो बच्चा है आप लोग का सबसे बड़ा पेपर फ्रेंड कहेंगे, मैथ्स का पेपर बच्चा है फ्रेंड, और मैथ्स से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, मैथ से बड़ा तो कुछ है ही नहीं, भले आप बेसिक लियो चाहे स्टैंडर्ड लियो, मैथ से बड़ा कुछ नहीं है। तो मैथ्स का पेपर बचा हुआ है, तो उसके लिए बेस्ट वीडियोस लेके आ रहा है आप लोग के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिए सभी लोग, और कमेंट करना कोई नहीं भूलेगा, कमेंट करना कोई नहीं भूलेगा कि आपका पेपर कैसा गया है, सेक्शन ए कैसा गया है, सेक्शन बी कैसा गया है, और सेक्शन सी कौन सा कैसा गया है, और सबसे अच्छा सेक्शन आप लोग का कौन सा गया होगा, सभी लोग कमेंट कर बताएंगे फ्रेंड, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दी, जैसे आप जो इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे आज स्टूडेंट को फायदा हुआ है तो वैसे फ्यूचर में आपका फायदा हो, क्योंकि अभी सोशल का पेपर बचा हुआ है, अभी मैथ्स का पेपर बचा हुआ है, कंप्यूटर का पेपर बचा हुआ है, यानी कि जो अभी पेपर तो बचे हुए हैं तो उसमें आपका लॉस ना हो, उसमें सबसे बेस्ट आपका पेपर रिजल्ट आए, तो सब कुछ फ्रेंड आपको देखना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, कैसे स्ट्रैटेजी बनाएं आप साथ आप जाकर देख लीजिएगा, आप अगर उन स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो मैं आपको फ्रेंड इसलिए सिक्योरिटी देता हूं कि कोई नहीं रोक पाएगा आपको आपके पेपर में 80 में 80 पाने से और रिजल्ट में 100 100 चढ़ने में मैथ्स का। तो वीडियो को मिलते हैं आपको जस्ट इसके बाद, कंप्लीट सोल्यूशन आपको जस्ट इसके बाद देखने में मिलने वाला था फ्रेंड, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बाय बाय एंड सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।